नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका में तैयार विशेष विमान एयर इंडिया वन बोइंग 777 आज भारत की धरती पर उतरने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति के एयरफोर्स वन जैसी क्षमताओं से लैस इस विमान में कई खूबियां हैं। इस विमान का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी करेंगे। अभी तक पीएम एयर इंडिया वन कॉल साइन से बोइंग 747 इस्तेमाल करते रहे हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि आज किसी भी वक्त प्लेन भारत पहुंच सकता है। बख्तर बंद बोइंग 777 एयर इंडिया वन एक बार ईंधन भरने पर ये अमेरिका से भारत तक की लंबी उड़ान भर सकता है। इस दो नए सुपर वीआईपी प्लेन को आने वाले समय में एयर इंडिया नहीं बल्कि एयरफोर्स ऑपरेट करेगी। सूत्रों का कहना है कि इसका कॉल साइन एयरफोर्स वन रखा जा सकता है। इसमें तीन तरह के रंगों का इस्तेमाल किया गया है। इनमें से दो रंग अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स वन से मिलते जुलते हैं। सूत्रों का कहना है कि बोइंग 777 में जो रंग इस्तेमाल किया गया है इनमें सफेद, हल्का नीला और नारंगी रंग है। हल्का नीला और सफेद रंग का इस्तेमाल अधिक किया गया है, जबकि नारंगी रंग की हवाई जहाज के बीच में लाइन दी गई है। देखने में ये बहुत सुंदर लग रहा है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान एयरफोर्स वन 35,000 फीट की ऊंचाई पर 1,013 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। वहीं एक बार में ये विमान 6,800 मील की दूरी तय कर सकता है। विमान अधिकतम 45,100 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस विमान के उड़ान के दौरान प्रति घंटा $1,81,000 यानी कि करीब 1,30,00,000 रुपए की लागत आती है। वहीं पीएम मोदी का नया विमान करीब 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। इस विमान को एयरफोर्स के पायलट उड़ाएंगे। दोनों विमानों की कीमत करीब 8,458 करोड़ रुपए है। बेहद सेफ इस जहाज के अगले हिस्से में जैमर लगा है, जो कि दुश्मन के रडार सिग्नल को जाम कर देता है। इस पर मिसाइल हमले का भी कोई असर नहीं होता। खबरों के अनुसार इस विमान में हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता है। साथ ही ये विमान एक बार में भारत से अमेरिका तक की दूरी के बीच उड़ान भर सकेगा। इस विमान की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। मौजूदा समय में पीएम और राष्ट्रपति एयर इंडिया के बोइंग 747 विमान में सफर करते हैं, लेकिन अब जैसे ही ये विमान भारत की धरती पर लैंड करेगा तो इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी सफर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।